नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। आज ऑनरेबल कोर्ट में जो हुआ मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए था। मेरा अपना विचार है कि ऐसी प्रोसीडिंग या ऐसे स्टेटमेंट देने से पहले माननीय न्यायालय को भी सोचना चाहिए। जिस समय लीगल अथॉरिटीज़ जैसे लॉ मिनिस्टर जो बोल रहे हैं बैठकर कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहिए। अब देखने में आ गया है कि जुडिशियल लॉबी एक लॉबिंग हो रही है और कोर्ट में बैठकर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जैसा वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि नहीं, कोर्ट कोई फोरम ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गिव एन स्टेटमेंट अगेंस्ट द पॉलिटिकल अथॉरिटीज़। आप कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि माना यह गया था कि कोलेजियम वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अटॉर्नी जनरल को बोला था कि भाई ये जो सुप्रीम अथॉरिटीज़ हैं देश की, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, इनको चुप कराइए, इनको बोलना नहीं चाहिए, देश में गलत मैसेज जा रहा है, देश में गलत माहौल पैदा हो रहा है। वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जयपुर में एक स्टेटमेंट देते समय साफ कहा था, आई एम डिसओन्ड दी अटॉर्नी जनरल से स्टेटमेंट। उन्होंने कहा था कि अटॉर्नी जनरल जो मुझे सजेशन देने आए हैं कि आप चुप रहिए, वो सजेशन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, बिकॉज कोर्ट इज़ नॉट एंड हैविंग द पावर, कोर्ट हैविंग द ज्यूरिडिक्शन टू डिसाइड द मैटर्स, दे डू नॉट हैविंग द डोमेन एंड दे मस्ट बी अंडर द डोमेन टू डिसाइड द मैटर्स, नॉट टू टारगेट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स। हम तो बोलने के लिए ही बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पर बैठे लोग कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करने के लिए बने हैं। ये एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसी बीच में राज्यसभा में जब प्रश्न आया, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के चूंकि मेंबर्स वहाँ पर हैं और उनको तो बड़ी लग रही होगी, तो राघव चड्ढा ने प्रश्न डाल दिया और प्रश्न डालकर लॉ मिनिस्टर से पूछ लिया। लॉ मिनिस्टर ने फिनेंशियल सेशन जिस समय चल रहा है उसी समय कहा कि हमने 18 रिकमेंडेशंस और वापस कर दी हैं, जिसमें 6 रीइटरेटेड थी, और उन्होंने बताया पूरा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में फुल स्ट्रेंथ है, 7 जजेस कम है इस समय, बाकी हाई कोर्ट्स में 1108 सीटें हैं टोटल, उनमें से कितनी फिल हो चुकी हैं, कितनी खाली हैं, कितनी की वैकेंसी, कितनी की प्रोसेसिंग चल रही है, कितने हाई कोर्ट्स ने रिकमेंडेशन की, हाई कोर्ट्स की रिकमेंडेशन पर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उसका छन्ना लगाता है और वो हमारे पास आती है, हम उस पर छन्ना लगाते हैं और वापस करते हैं, ये सब कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब चूँकि लॉ मिनिस्टर ने सीधा सीधा कह दिया था, पीछे लॉ मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि जजेस या कोर्ट डिसाइड करने के बजाय, पेंडेंसी इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि डिसाइड करने की बजाय वो ज़्यादा समय कोलिजियम में देते हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट में देते हैं, नियुक्तियों में देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करने में देते हैं, जो कि उनका फंक्शन नहीं है, उनको कोर्ट्स के केसेस पर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा पेंडेंसी ना बढ़े इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सरकार के काम अपने हाथ में ले लेने चाहिए। ये दोनों के बीच में बयानबाजी चल रही है। और अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो बैंगलोर एसोसिएशन का केस चल रहा है उसमें ट्रांसफ़र के केस को लेकर अटॉर्नी जनरल को उन्होंने बुलाया, और अटॉर्नी जनरल को बुलाकर उन्होंने कहा कि भाई ये ट्रांसफ़र वाले जो मैटर हैं जो कॉलेजियम ने रिकमेंड किए हैं उसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है, और सरकार क्यों नहीं उसको कर रही। और आपको याद होगा कि लॉ मिनिस्टर ने पीछे ये भी कहा था कि अगर आप कर सकते हैं तो हमको रिकमेंड ही क्यों करते हैं, हमसे अगर एक्सपेक्टेशन क्यों करते हैं, अगर हम फाइलों पर बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि हम फाइलें नहीं कर रहे हैं तो आप हमको क्यों भेजते, अपना कर लीजिए, आप अगर कहते हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंटली कर लीजिए, हमारा फिर क्या रोल है, क्यों सरकार से पूछ रहे हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडियों से पूछ रहे हैं, क्यों पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं। जब पार्लियामेंट कोई बात कह रही है, पार्लियामेंट कोई कानून बना रहा है, उसको आप अंडन कर देते हैं, पार्लियामेंट कोई रिकमेंडेशन कर रही है उसको आप स्वीकार नहीं करते हैं, पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है तो उस कानून को आप अवैधानिक कह देते हैं, तो फिर आपको इधर देखने की आवश्यकता क्या है, आप स्वयं कर लीजिए, आपको लगता है कि सरकार बीच में बाधा है या पार्लियामेंट बीच में बाधा है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दोनों के बीच में आया था अगर मैं सही हूँ तो। लेकिन आज जो उन्होंने कहा वो मुझे लगता है कि 1964 का केशव सिंह का एक केस याद दिलाता है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, और इससे पहले कौसी जुरा का केस भी याद दिलाता है जो कुलनील टाइम का केस है, सुप्रीम कोर्ट बनाम सुप्रीम काउंसिल, यानी कि सरकार गवर्नर जनरल बनाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। खूब चली थी और सही से चली थी, एक दूसरे की गिरफ्तारियां कर रहे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या हुआ इसके विषय में मुझे याद आता है, और ऐसा ही मामला जब लेजिस्लेशन बनाम हाईकोर्ट हो गया था तो हाईकोर्ट के दो जजेस के मामले में क्या पोजीशन बनी थी वो मैं दोनों ही केस आपको बताऊंगा।
मुझे लगता है कि पहले वो दो केस आपको बता देने चाहिए, उसके बाद अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट ने क्या धमकी दी केंद्र सरकार को, उन्होंने धमकी दी है, सीधी धमकी दी है। मुझे लगता है इससे कठोर धमकी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी थी जो उन्होंने दी है। मामला पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नारायण पांडे का, हुआ क्या। अब देखिए ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो कांग्रेस आज कह रही है कि जुडिशरी पर बहुत कुछ सरकार गलत कर रही है, वो कांग्रेस के टाइम पर कैसा होता था। मामला था 1964 में, 1964 में हुआ क्या कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक के खिलाफ तमाम तरह के पर्चे बट गए। अब देखिए आज तो कितने पर्चे बटते हैं और मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ क्या क्या नहीं लोग कहते हैं, उतना अगर उस समय कह दिया होता तो शायद कांग्रेस सरकार क्या करती। लेकिन हुआ क्या कि पर्चे बट गए, गायब हैं, अच्छे काम नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ ऐसा। केशव सिंह नाम के व्यक्ति जो अग्रणी भूमिका में थे, उनके साथ तीन और लोग थे। हाई कांग्रेस विधायक ने हाउस से कहा और कहा कि भाई ये प्रिविलेज भंग की जा रही है। सुचिता कृपलानी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करती थी कांग्रेस से, और नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिस समय का ये मैटर है। ये मैटर है 11 मार्च 1964 का, और नेहरू जी की मृत्यु हुई है मई 1964 में, यानी कि अभी 2 महीने पहले का मैटर है। हुआ क्या कि इस मैटर में पांडे जी जब लेजिस्लेटिव असेंबली चले आए तो असेंबली ने इन चार लोगों को सम्मन किया। सम्मन करते समय दो लोग तो प्रेजेंट हो गए असेंबली के सामने, माफ़ी शाफी मांग ली तो उनको माफ़ कर दिया गया। केशव सिंह प्रेजेंट नहीं हुए तो केशव सिंह की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए, और केशव सिंह को क्यों गिरफ्तारी के आदेश, और उसके साथ साथ ये आदेश प्रिजन अथॉरिटी को दे दिया गया। मैं आपको बताता हूँ, प्रिजन में यानी कि जेल में किसी को तब तक नहीं डाला जा सकता जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता, यानी कि कोई भी अगर जिलाधिकारी चाहे कि हम उठाकर सीधा बंद कर देंगे, पुलिस चाहे हम सीधा बंद कर देंगे उसमें जेल में, तो वो बंद नहीं कर सकते, पहले उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होता, कोर्ट उस पर वारंट इशू करता है, कोर्ट आदेश देता है, तब जमा होता है। अब ये काम असेंबली का है तो असेंबली की अवहेलना की गई, ऐसा कहा गया कि असेंबली ने उनको वारंट सम्मन किया वो आए नहीं, तो असेंबली की अवहेलना में 7 दिन की कैद का आदेश हुआ। और ये 7 दिन की कैद का आदेश कैसे होगा, कहाँ रखे जाएंगे, तो फिर सेम असेंबली ने आदेश दे दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट जज वो सॉरी डिस्ट्रिक्ट जेल को, तो डिस्ट्रिक्ट जेल अथॉरिटी ने अब इनको पकड़ा गया और उठाकर डिस्ट्रिक्ट जेल अथॉरिटी डाल दिया गया। हुआ क्या कि इनको जैसे ही अंदर गए, सेम डे मामला हाई कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच बैठी और उन 2 जजों की बेंच ने जमानत दे दी। 2 जजों की बेंच ने सुबह मामला सुना और 1 घंटे का टाइम दिया एडवोकेट को, सरकारी वकील को, एजीए खड़े हुए थे, एजीए को 2 घंटे का टाइम दिया या 1 घंटे का टाइम दिया और बोले अभी सुनेंगे। एजीए जब तक सरकार को कोऑर्डिनेट करता और पार्लियामेंट हाउस को कोऑर्डिनेट करता, असेंबली को कोऑर्डिनेट करता, विधानसभा को, इसके बीच में हियरिंग का टाइम हो गया, यानी कि एडवोकेट जो खड़े हुए थे वो बात भी नहीं कर पाए थे तब तक इधर काम हो चुका था। अब जब वो प्रेजेंट नहीं हुए, मतलब वकील साहब बात नहीं कर पाए, तो फिर कोर्ट ने क्या किया, उनको बेल दे दी। अब कोर्ट की बेल ग्रांट हो गई, कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। उधर हाउस में जो विधानसभा के स्पीकर बैठे हुए थे, विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए थे, उन्होंने इसको कंटेम्प्ट माना, अपना कंटेम्प्ट माना आर्टिकल 194 में। मैं आपको बता दूं आर्टिकल 194 बनाम आर्टिकल 211 का ये मामला है। 211 ये कहता है कि कोर्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही हो उसको हाउस में नहीं उठाया जा सकता, और आर्टिकल 194 ये कहता है कि इसमें पार्लियामेंट की प्रिविलेज है, 105 में पार्लियामेंट की प्रिविलेज है, 194 में विधानसभा की प्रिविलेज है, और विधानसभा अपनी प्रिविलेज के लिए अगर कोई कंटेम्प्ट करता है तो उसके लिए भी सुनवाई कर सकती है। मामला 194 का आ गया। तो अब चूंकि विधानसभा के अंदर का मामला है, विधानसभा अध्यक्ष का आदेश है, विधानसभा अध्यक्ष ने बकायदा सम्मनिंग करी, सुनवाई में माफियाँ करी गई, जो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं हुआ उसको सीधी सजा दे दी उसने, तो या जिसने अवहेलना की बाद में वो, हाँ ये एक बात और घटना हुई कि उनको उठाकर लाया गया, तो विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे वार्ता की केशव सिंह से,
केशव सिंह ने जवाब नहीं दिया। जब विधानसभा अध्यक्ष ने और पूछा तो वो मुंह घुमा कर खड़े हो गए और उन्होंने आफ्टर ऑल उनके जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा भैया इसका मतलब है आपने अपराध किया, आप अपराध स्वीकार करते हैं, फिर भी इनका जवाब नहीं आया। तब उन्होंने उसको उठाकर जेल में भी डाला था, यानी कि प्रोसीडिंग पूरी हो गई। तो 194 में जो प्रोसीडिंग हुई विधानसभा की, उस प्रोसीडिंग को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। विधानसभा ये कह रही है कि हमारे जो प्रिविलेज हैं वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते, और कोर्ट ये कह रहा है कि हमारे जो प्रिविलेज हैं 211 में वो विधानसभा में चैलेंज नहीं हो सकते। लेकिन हुआ क्या था कि विधानसभा की सजा को कोर्ट ने सुन लिया और बेल दे दी। विधानसभा ने क्या किया कि कोर्ट के दो जजों को, जिन दो जजेस ने बेल दी थी उनको सम्मन कर दिया। अब देखिए कन्फ्लिक्ट यहाँ से शुरू हुआ कि उनको सम्मन कर दिया कि श्रीमान जी आप हमारी अदालत में आइए और बताइए। इन जजेस के नाम थे जस्टिस नसीरुल्लाह बेग और जस्टिस जीडी सहगल। तो जस्टिस बेग और जस्टिस सहगल इन दोनों को विधानसभा ने बुला लिया कि आप हमारे अदालत में आइए और हमको जवाब दीजिए, हम आपको सम्मन कर रहे हैं। इन दो जजेस ने के पास अब कोई सलूशन नहीं था। एक सलूशन तो ये था कि वो लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रेजेंट हों, एक सलूशन ये था कि वो सुनवाई कर लें। लेकिन सुनवाई कैसे कर लें, खुद ही जब अभियुक्त हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने उसको कहा कि भाई पिटीशन डाली कोर्ट में अपने इस ऑर्डर को क्वेश्चन करने के लिए। जब अपने ही कोर्ट, अपने कोर्ट से मतलब चीफ जस्टिस के दल, चीफ जस्टिस उस समय थे नहीं, चीफ जस्टिस उस समय हुआ करते थे MC देसाई। तो चीफ जस्टिस थे नहीं, चीफ जस्टिस नहीं थे तो रोस्टर कौन तय करेगा, तो सीनियर मोस्ट जज करेगा। सीनियर मोस्ट जज की समस्या ये थी कि वो अगर बेंच बना देता है और सुनवाई के लिए हामी भर देता है तो वो सिमिलर प्रकरण बनेगा जो कि जस्टिस बेग और जस्टिस सहगल के खिलाफ बना है, यानी कि विधानसभा के आदेश के विरुद्ध आपने कोर्ट बिठा ली। तो विधानसभा का अध्यक्ष फिर उनको भी सम्मन कर देगा, ये नोटिस कर देगा कि आप भी आइए, आपने कैसे बैठा दी। तो चीफ जो सीनियर मोस्ट जज था उसकी हिम्मत नहीं हुई। तब तक हुआ क्या कि उस समय सीनियर एडवोकेट स्वरूप साहब हुआ करते थे, उन्होंने, हालांकि बाद में वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुए, जगदीश स्वरूप की बात मैं कर रहा हूँ, जगदीश स्वरूप साहब ने एडवाइस दे दी चीफ जस्टिस को कि क्यों नहीं आप बड़ी बेंच बटा सभी जजेस को बुला लीजिए और एक बड़ी बेंच बुला दी, या तो सबको जेल जाना होगा या फिर सब मुक्त हो जाएंगे। तो उस समय पहली बार आज तक भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ी बेंच बनी थी कि 28 जजेस हाईकोर्ट के एक साथ बैठे। मामला हाईकोर्ट के जज ने सुन लिया, हाईकोर्ट के जज ने मामला सुनने के बाद इस पर स्टे दे दिया जो विधानसभा ने मांगा था। विधानसभा अगली स्टेप लेती, ये जो प्रकरण चल रहा था इस प्रकरण के दौरान ही नेहरू जी की मृत्यु हो गई और मामला अब बन गए शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मामला शास्त्री जी डील करने लगे। नेहरू जी होते थे तब क्या कर रहे थे, नेहरू जी जब थे तब सीधा सीधा हाईकोर्ट को वो नोटिस करवा रहे थे कि हाईकोर्ट का अधिकार नहीं है कि वो विधानसभा में, सुचिता कृपलानी उसमें चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, विधानसभा में कुछ बात कर सकें, विधानसभा के अगेंस्ट में कर सकें। तो नेहरू जी के रहते तो ये नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही शास्त्री जी बैठे तो शास्त्री जी ने आर्टिकल 143 इन्वोक कर दिया। आर्टिकल 143 का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट कोर्ट से पूछता है कि भाई इस मामले में सलाह दें। तो उन्होंने 143 में कुछ प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1964 में ही ये मामला 9वें महीने में डिसाइड किया, यानी कि अब शास्त्री जी के टाइम पर। और 143 में उन्होंने ये कहा कि भाई हाईकोर्ट को ही अधिकार होगा, अगर कोई सजा किसी को देता है तो हाईकोर्ट को ही अधिकार होगा कि वो उसकी सुनवाई कर सकता है, हाईकोर्ट के जजेस के खिलाफ कोई इस तरह का केस नहीं हो सकता। और उन्होंने एडवाइस कर दी, ये एडवाइस केंद्र सरकार ने जो एडवाइस दी प्रेसिडेंट को, केंद्र सरकार ने ये एडवाइस विधानसभा को भेज दी। और यही एडवाइस, चूँकि एडवाइस बाइंडिंग हो जाती है, तो यही एडवाइस उठाकर हाईकोर्ट में चली गई। हाईकोर्ट के 28 जजेस ने जो बेंच बैठी हुई थी, जो सबसे सर्वाधिक बड़ी बेंच आज तक की भारत के किसी भी कोर्ट की है, तो उस बेंच ने ये कहा कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट को लेजेंड असेंबली के जो आदेश है उसको अंडन करने का अधिकार नहीं है। ये बेंच कह रही है, मतलब अभी तो ये कह दिया कि भाई इनको सम्मन करने का अधिकार है, इनको सुनवाई करने का अधिकार है और ये वो, लेकिन बेंच ने ये कहा
कि नहीं इस मामले में जो दो जजेस की बेंच ने किया वो करने का अधिकार नहीं है, और जो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसीजन सही है सजा देने का। ऐसे करके वो कन्फ्लिक्ट सॉल्व किया गया, यानी कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों इन्वॉल्व हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट को हाई कोर्ट को कुछ दिशा निर्देश दिए और सरकार ने अपनी राज्य सरकार को, चूँकि कांग्रेस की ही केंद्र में भी थी राज्य में भी थी, अपनी सरकार को, ऐसे करके वो कन्फ्लिक्ट सॉल्व हुआ था। तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार के कन्फ्लिक्ट ये बड़े हो जाते हैं जब जजेस अननेसेसरीली इंटरवेंशन करते हैं, या वो जो जो विधानसभा है वो अननेसेसरी इंटरवेंशन करती है। इससे बड़ा एक केस आया था ये बात, जब सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट भारत में पहली बार आया था। रेगुलेशन हम सबको मालूम होगा, रेगुलेशन एक्ट 1773 आया था। रेगुलेशन एक्ट 1773 में 1774 में सुप्रीम कोर्ट वहाँ बन गया था, मतलब कोर्ट बन गया था। बाद में उसको मेयर कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ, और जब तक हाई कोर्ट एक्ट नहीं बना था 1861, तब तक सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता था हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता। कोलकाता का हाई कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। लॉर्ड एम्पे वहाँ चीफ जस्टिस हुआ करते थे। कोसी जुरा एक रियासत हुआ करती थी। रियासत से मतलब एक जमींदारी का क्षेत्र हुआ करता था। मैं आपको बता दूं कि जो राजा अंग्रेजों के समय पर जो राजा हुए हैं वो राजा एक्चुअली नहीं थे, वो जमींदार हुआ करते थे, मतलब इंटरमीडियरी उनको कहते थे, डेजिग्नेशन उनका राजा था। तो हुआ क्या कि वहाँ पर सुंदर नारायण नाम के एक राजा थे या जमींदार थे। सुंदर नारायण ने किसी काशीनाथ से खूब सारा पैसा ले रखा था। काशीनाथ ने सुंदर नारायण से पैसे मांगे, मतलब राजा से पैसे मांगे, तो राजा पैसे नहीं दे पाया। सुंदर नारायण ने कई बार उनको कहा, लेकिन वो सुंदर नारायण को कई बार कहा काशीनाथ ने, लेकिन वो सुना नहीं। काशीनाथ बाबू को ही कौशीनाथ बाबू वो लोग कहते हैं, मतलब अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी लोग जो हैं कौशीनाथ कहते हैं, तो कौशीनाथ बाबू कहते थे। कौशीनाथ या काशीनाथ का जो मामला था, इसमें वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, एक पिटीशन डाल दी उन्होंने, सिविल पिटीशन रिकवरी की। रिकवरी की पिटीशन में सुंदर नारायण के खिलाफ ऑर्डर हो गया। सुंदर नारायण ने जमा नहीं किया पैसा, या उसको उसको कोर्ट को माना नहीं, तो ये कंटेप्ट मान लिया गया। बाबू कौशीनाथ ने, काशीनाथ ने जो जो साहूकार है, काशीनाथ ने एक कंटेम्प्ट पिटीशन डाल दी। कंटेम्प्ट पिटीशन के जब पड़ गई तो गिरफ्तारी के आदेश हो गए। गिरफ्तारी के आदेश हो गए तो सुप्रीम काउंसिल बीच में आ गई। सुप्रीम काउंसिल भी उस समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही बनी थी, और उसका हेड गवर्नर जनरल हुआ करता था। गवर्नर जनरल की 5 सदस्यों की काउंसिल होती थी जिसको सुप्रीम काउंसिल कहते थे, यानी कुछ भी हो जाए सुप्रीम काउंसिल का डिसीजन फाइनल होता था। अब सुप्रीम कोर्ट बनाम सुप्रीम काउंसिल आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना शेरिफ भेजा। शेरिफ मैं बताता हूँ, शेरिफ क्या होता था कि जो सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी जो उसकी होती थी, वो जाता था एग्जीक्यूट करने के लिए अपना ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और एग्जीक्यूट करते समय वो फोर्स मांगता था, आर्म फोर्सेस मांगता था, सिविल फोर्स मांगता था, फोर्स मांग कर उसको करता था जो भी काम। अब चूँकि काशीनाथ ने ना तो पैसे जमा किए और ना ही कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में प्रेजेंट हुआ, तो वो काशीनाथ कह रहे हैं सुंदर नारायण, सुंदर नारायण के घर में फोर्स घुस गई। सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स भेज दी, फोर्स घुस गई। फोर्स घुसते समय वहाँ उनकी जो कोई मूर्ति पारिवारिक रही होगी वो टूट गई भाग दौड़ी में। इतने में जब वो मूर्ति टूट गई और जनान खाने में घुस गए पुलिस वाले या आर्मी वाले, तो सुप्रीम काउंसिल ने आदेश कर दिया अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा कि नहीं देखो आप कोई असिस्ट नहीं करेंगे, शेरिफ को वैसे ही वापस भेज दीजिए और कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। जब वो वापस शेरिफ वापस नहीं गया तो फिर कलेक्टर को यह कहा गया शेरिफ को गिरफ्तार कर लो। शेरिफ की गिरफ्तारी हो गई, जो सुप्रीम कोर्ट का आदमी आया था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, शेरिफ को गिरफ्तार करके 3 दिन रखा गया और उनको ले जाया गया कोलकाता। कोलकाता में 3 दिन रखने के बाद उनको छोड़ दिया गया, शेरिफ को छोड़ दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो लोग एग्जीक्यूट करवाने गए थे उनको छोड़ दिया गया गिरफ्तार करने के बाद। ये लॉर्ड एम्पे को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सुप्रीम काउंसिल के खिलाफ समन कर दिया कि आप हमारी अदालत में प्रेजेंट होइए, आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। सुप्रीम काउंसिल का हेड गवर्नर जनरल हुआ करता था। गवर्नर जनरल ने कोई अरेस्ट पर फोर्स को मना कर दिया, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और भाई सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर माना नहीं जाएगा, और साथ में अपनी फोर्स को भी दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे जब तक हमसे ना पूछ लिया जाए तब तक नहीं माना जाएगा। मामला बड़ा गंभीर हो गया, यानी कि गवर्नर जनरल बनाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। मामला चलते चलते इंग्लैंड पहुंचा, और इंग्लैंड में चूंकि दोनों का अपॉइंटमेंट सीधा क्राउन से होता था,
इंग्लैंड में जब मामला पहुंचा तो क्राउन ने दोनों को बुलाया, दोनों को बुलाकर सोल्यूशन निकाला और कहा कि भाई भारत में सरकार इस्टेब्लिश करना ज़्यादा ज़रूरी है, सिस्टम इस्टेब्लिश करना ज़्यादा ज़रूरी है, कानून का जो पालन कर रहे हो ठीक है आप करते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए। लॉर्ड एम्पे का ट्रांसफ़र साउथ अफ्रीका कर दिया वहाँ इंग्लैंड से, क्योंकि भाई ये हम चीफ जस्टिस ही, चूँकि चीफ सुप्रीम काउंसिल जो है या गवर्नर जनरल उस समय अड़ गया, उन्होंने कहा भाई इनसे इनके इनसे तो देश ही नहीं बचा पाएंगे, देश की हम अपनी सरकार ही नहीं चला पाएंगे, और हम सरकार नहीं चला पाएंगे, हमें ज़मींदार का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ज़मींदारों के माध्यम से ही हम वहाँ सरकार चलाते हैं, और ज़मींदार सब ये अंदर उठा कर देंगे, और ज़मींदार तो भ्रष्ट होते ही हैं, तो ज़मींदारों को ये सब उठाकर अंदर कर देंगे, जो इधर उधर का वो छोटा मोटा काम करेंगे, तो फिर हमारी सरकार वहाँ कैसे रहेगी। इसलिए सब कुछ ठीक होते हुए भी सरकार इस्टेब्लिश करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये जो 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 ये कानूनी अड़चने अटका रहे हैं। तो फिर वहाँ क्राउन ने उनका ट्रांसफ़र साउथ अफ्रीका कर दिया था, और इधर गवर्नर जनरल को फुल पावर दी कि आप उसको इम्प्लीमेंट करवाइए, जो आप सरकार चलाइए, सरकार चलाना ज़्यादा आवश्यक है, वहाँ पर सिस्टम इस्टेब्लिश करना ज़्यादा आवश्यक है। ये दो बड़े जजमेंट मुझे याद आते हैं जो जो बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं, जो बड़े बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट में सोल्यूशंस निकले थे। ऐसा ही सोल्यूशन अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने मुझे लगता है निकलना पड़ेगा जब इसकी इम्तहा हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा वो साफ कह दिया कि आप सरकार को बोलिए कि सरकार ट्रांसफ़र जो जजेस के ट्रांसफ़र हैं उन ट्रांसफ़र पर एक्शन ले, उनको उनको ट्रांसफ़र करे, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं होंगे, और हम कोई डिसीजन लेने बैठ गए और हमने कोई स्टेप ले लिया तो फिर सरकार के लिए अनकंफर्टेबल होगा, सरकार अनकंफर्टेबिलिटी में आ जाएगी अगर हमने कोई स्टेप ले लिया, इसलिए हमें स्टेप ना लेना पड़े ऐसा सरकार को बोलो, नहीं तो हम स्टेप लेंगे। मुझे लगता है कि स्टेप क्या लेंगे कैसे लेंगे, आज फुल फ्लैश मोदी सरकार बैठी हुई है, और ये स्टेप इसलिए मुझे लगता है और बातें हो रही हैं क्योंकि सरकार अब चुनाव में जाने वाली है, अगले वर्ष ही चुनाव है, इसलिए सरकार चुनाव में जाने वाली है, उसके 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सरकार के कार्यकाल पूरे होने से 1 साल पहले चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं सरकारों की तरफ से, मतलब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, तो पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव में जा रही है, इसलिए चुनाव में जाते समय उनको लग रहा होगा कि ये सरकार कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सीधी धमकी लहजे में, या मैं कहूँ कि तल्ख लहजे में ये जो कहा है कि हम इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, या फिर हम कोई डिसीजन लेंगे अनकंफर्टेबल होगा, मुझे लगता है ये इम्तहा हो गई। अगर जजेस के ट्रांसफ़र नहीं होंगे, मेरा मानना है कि जजेस के ट्रांसफ़र रिकमेंड किए गए हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो इससे कोई आफत तो नहीं आई जा रही बहुत बड़ी कि नहीं साहब उनके ट्रांसफ़र होगा तभी जस्टिस सर्वाइव करेगी। सुप्रीम कोर्ट की चिंता यह है कि जो ट्रांसफ़र के उन्होंने ऑर्डर करे हैं उन ऑर्डर्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, उसका परिणाम ये निकला कि हाई कोर्टों में वहाँ बहस शुरू हो गई और हाई कोर्टों में कुछ प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। हाई कोर्टों में प्रोटेस्ट क्योंकि जजेस के ट्रांसफ़र उनका मानना है गलत तरीके से किए जा रहे हैं, लोगों वकीलों का मानना है कि गलत तरीके से किए जा रहे हैं या गलत रास्ते से किए जा रहे हैं, इसलिए वो उनका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में स्ट्राइक कर दी, प्रदर्शन कर डाले। तो सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इसका सबसे बड़ा दोषी जो है वो सरकार है, सरकार चूंकि ट्रांसफ़र कर नहीं रही है, हमने रिकमेंडेशन कर दी, सरकार ट्रांसफ़र कर नहीं रही है, इसलिए ये वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जितना समय बीतेगा उतना प्रोटेस्ट बढ़ेगा। तो उनका कहना था कि ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो रहा है और वो इंटरवेंशन हम स्वीकार नहीं करेंगे किसी प्रकार से, थर्ड पार्टी को हम ऐसा अवसर नहीं देना चाहते कि वो हमारे खिलाफ़ कुछ करे या कोर्ट के खिलाफ कुछ करे। मुझे लगता है ये जो चल रहा है, अगर ट्रांसफ़र मैं मेरा मानना है जज तो जज ही रहेगा, सॉरी जज तो जज ही रहेगा, अब वो इस कोर्ट में बैठे या उस कोर्ट में बैठे या किसी और कोर्ट में बैठे, ये इससे क्या फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप ये कहते हैं कि किसी का एलिवेशन करना है तो एलिवेशन उस कोर्ट में नहीं होगा जिसमें वो प्रैक्टिस करता है, तो समझ में आता है कि भाई जो जिस बेंच में प्रैक्टिस करता है उस बेंच में उसका एलिवेशन नहीं होगा, उसका एलिवेशन किसी दूसरी बेंच में होगा। ये सार्वजनिक कानून बना दिया है क्योंकि हमारे सबके लिए, हम जानते हैं सिविल जॉब्स में अगर आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उस जिले में आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती जिसमें आपकी पैदाइश हुई, तो जिस हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं उस हाई कोर्ट में ही व्यक्ति जज बन जाता है, और वहीं जज बन के कभी कभी तो वहीं से रिटायर हो जाता है और कभी कभी एक आध ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर कोई रूल ऐसा सुप्रीम कोर्ट बनाता और ये कहता है कि कोई भी जज अपने रिस्पेक्टिंग हाई कोर्ट में नहीं रहेगा जिसमें प्रैक्टिस करता था, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है, तो समझ में आता, लेकिन आप कुछ के ट्रांसफ़र करते हैं कुछ के नहीं करते हैं तो फिर हाई कोर्ट में उसके प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और लोगों को शंका संशय होता ही है।
इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, या फिर हम गंभीर परिणाम शब्द तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन हम कोई डिसीजन ले लेंगे तो अनकंफर्टेबल हो। क्या डिसीजन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, हम लोग एक और इस पर एपिसोड करेंगे, क्योंकि चूंकि बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इस पर एक और एपिसोड करेंगे, तब हम बता सकते हैं कि केंद्र क्या कर सकता है और राज्य क्या कर सकता है। उसका आप इंतज़ार ज़रूर करिए, यानी कि सरकार क्या क्या कोअर्सिव स्टेप लेने पड़े, जो जैसा मैंने कोसीजुरा का केस कहा या केशव सिंह का केस कहा, इन केसेस की भांति अगर कोई बड़ा स्टेप लेना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के और सुप्रीम काउंसिल यानी कि सरकार के स्टेप्स क्या हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है या उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।